शहर के बिल्लाग्राम मंडी को जोड़ने वाला अप्रोच रोड सड़क की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ पर सालों से जमा हो रहा कचरा हटाकर नगरपालिका परिषद यहाँ पर पार्क का निर्माण करेगी। जमीन पर पार्क बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक साल पहले तत्कालीन रेल DRM RK सुनकर को पत्र लिखकर यहाँ खाली पड़ी भूमि पर कॉलोनियों का कचरा जमा होने पर पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर बुधवार को रेलवे के अधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवी और इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचकर मौका स्थल का मुआयना किया। इस दौरान रेल DRM द्वारा सहायक मंडल इंजीनियर को 18 नवंबर को जारी किए गए पत्र में उक्त स्थल पर अस्थायी पार्क बनाने के लिए निरीक्षण के 3 दिन के भीतर उल्लेखित शर्तों का पालन करने का अनुमोदन भी लिखित में लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के लिए यहां पहुंचे रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर सुनील कुमार, रमाकांत सारस्वत, MK महावर, सावन सिंह ने नगरपालिका टीम के साथ कोटा रेलवे ट्रैक के नक्शे का भी परीक्षण किया। अस्थायी पार्क बनाने के लिए नगरपालिका को ही उक्त भूमि पर पसरे अतिक्रमण को ही हटाना होगा, साथ ही भूमि की सुरक्षा एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेना होगी। इन शर्तों पर सहमति के बाद ही नगरपालिका अस्थायी पार्क का निर्माण कर पाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण भी कर रखा है। पार्क बनाने से पहले इन अतिक्रमणों को हटाना नगरपालिका के लिए बड़ी चुनौती होगी। नगरपालिका अध्यक्ष के अनुसार शहर के मध्य स्थित जगह पर गंदगी पसरी होने से स्वच्छता अभियान के तहत नगरपालिका की रैंक भी प्रभावित होती है। यहाँ पार्क बनने से स्वच्छता रैंक में सुधार तो होगा ही, यह क्षेत्र शहर का सबसे खूबसूरत जोन बन जाएगा। उधर भी हम कुछ करेंगे, वहाँ पे भी कुछ करेंगे। जो भी वो अच्छी चौड़ी जगह है तो वहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत यूज है उसके, तो बहुत पानी पड़ी है। ये अपनी वर्तमान में बढ़ जा रही है, ठीक है ना। ये पूर्ण कोटा फाटक हो गया जी, ठीक है। ये और ये इसके बाद वाली अभी उसके पहले वाली जो ये अपने जो रोड है अभी, ये रोड हो गया। पर यहाँ से आगे जो जमीन है हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी ना? नहीं, यहाँ अपना बाईपास ओवर ब्रिज है। हाँ, वहाँ तक पूरा जाएगा। बाईपास के बाद भी जमीन, इसके बाद भी जमीन है ना? ये ना ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है। बाईपास तक चलाएगा ना? हाँ, बाईपास के आगे तक नई कोटा लाइन तक लिखना पड़ेगा। मतलब अप्रोच रोड न्यू ब्रिज से लेके तो नई कोटा लाइन तक, नई कोटा लाइन तक उसके बाद भी जमीन पड़ी। बाईपास पुलिया आएगी ना? बाईपास पुलिया के बाद, पुलिया बाद ही है भैया, पुलिया के बाद भी पड़ी है ना? बहुत सारी जमीन वाले गाँव के नई लाइन तक आई है। इस पे आप ले लो यार, बड़ा कैमरे में। हाँ,